मौत का मामला टूट पकड़ना चाह रहा है। नरसिंहपुर से बुरहानपुर पहुंचे मृतक छात्र के परिजन एडमिट कॉन्वेंट स्कूल में पिछले सप्ताह गरबा खेलने के दौरान 9वीं क्लास के छात्र अविरल जैन की संदिग्ध मौत का मामला टूट पकड़ना चाह रहा है। नरसिंहपुर से बुरहानपुर पहुंचे मृतक छात्र के परिजनों ने एसपी कलेक्टर से मामले की सीबीआई जांच की मांग की। मध्य प्रदेश के नामचीन स्कूलों में शुमार मैक्रोविजन एकेडमी इन दोनों पढ़ाई के लिए सुर्खियों में नहीं, बल्कि बीते सप्ताह 9वीं क्लास में पढ़ने वाले नरसिंहपुर निवासी अविरल जैन की रहस्यमय मौत के कारण सुर्खियों में है। 24 सितंबर की रात गरबा खेलने के दौरान अविरल जैन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। डॉक्टरों ने शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में हार्ट फेल होने से मौत होना बताया, लेकिन डॉक्टरों द्वारा बताया गया कारण परिजनों के गले ही नहीं उतर रहा है। असंतुष्ट परिजन बुरहानपुर पहुंचे और कलेक्टर दीपक सिंह और एसपी आरएसएस परिहर से मुलाकात कर पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। प्रबंधन ने बताया कि गरबा खेलने से उसकी जांच के संबंध में आज कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मिलने आए, सीबीआई जांच के लिए मिलने आए, उस कार्रवाई को देखते हैं। उसमें तो उन्होंने हार्ट अटैक कराया, तो मेरे को नहीं लगता कि मेरा बच्चा हार्ट अटैक से यही है कि बच्चा बिल्कुल फिट था, कुछ नहीं था, गिरा और सिर में लगी, इसके कारण हुआ। गिरने के लिए गरबा इन्होंने कालीन भी नहीं कराया, हार्ट सर्विस में कराया, भीड़ भाड़ में कराया। और दूसरा ये सब और संदेह जाहिर करता है कि वहाँ पर पूरा स्कूल में सीसी कवरेज है, सिर्फ वही इस एरिए का सीसी कवरेज नहीं है। कलेक्टर दीपक सिंह का कहना है कि सीबीआई जांच कराने का आदेश राज्य सरकार दे सकती है, लिहाजा परिजनों की मांग का ज्ञापन राज्य सरकार को भेज दिया गया है। साथ ही गाइडलाइन को देखते हुए जिला प्रशासन स्तर पर छात्र की मौत के मामले की मजिस्ट्रियल जांच का आदेश दिया गया है। आवेदन दिया है और उन्होंने ये मांग की है कि इस घटना की जांच सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि सीबीआई से जांच का विषय शासन स्तर का है। अतः हम ये आवेदन पत्र मध्य प्रदेश शासन की तरफ भेज रहे हैं और इसमें आगे का जो भी निर्णय होगा। स्कूल संचालक के रसूखदार होने और सत्ताधारी दल के नेताओं से करीबी संबंध होने की बात सामने आई है, लिहाजा परिजनों को जांच प्रभावित किए जाने का भी शक है। परिजनों का कहना है कि अगर सीबीआई जांच का आदेश नहीं होता है तो वह न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बुरहानपुर से समीर महाजन की रिपोर्ट। बुरहानपुर जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर उमरदा ग्राम में तेंदुए के आतंक से ग्रामीणों में दहशत। तेंदुए ने खेत में दो गाय और दो बकरियों को शिकार बना लिया और खेत में तेंदुआ और उसके बच्चों के पंजों के निशान मिलने पर वन विभाग ने तेंदुए के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए कुछ स्थानों को चिन्हित कर पिंजरे लगाए हैं। तो वहीं दूसरी ओर सरपंच मंगलाबाई पाटिल ने गांव में 6 बजे के बाद बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी। शाम होते ही गाँव के युवक हाथों में डंडे लेकर गश्त करते हैं। इन्हीं की मदद से वन विभाग का गश्ती दल किसानों के साथ खेतों तक जाता है। फिलहाल विभाग ने पिंजरे रखे हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिलने पर इंदौर के एक्सपर्ट टीम के कैमरे को साथ कैमरों को बुलाया गया है और कैमरों के साथ तेंदुओं की मूवमेंट अब पता लगाई जाएगी। इसके अलावा जिन ग्रामीणों के मवेशियों को क्षति पहुंची उन्हें विभाग द्वारा पूरा किया जाएगा। पर तेंदुआ आता है और वो पहले तो 8 दिन के बाद या पहले 2-3 दिन के बाद 2 गैया खाई उसने और आज तो 2 बकरा एक उठा के लेके चलेगा। एक तो सतत वहाँ सचेत किया गया, पुनादी करा दी गई तो थोड़ा सावधानी से रहे और 3 पिंजरे लगाए हमने वहाँ जो छोटे बड़े झाड़ का जंगल है नाले किनारे, वहाँ 3 पिंजरे लगाए हुए हैं। यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि उसको पिंजरे से ट्रैप कर लिया जाए और नहीं होगा तो हमारे जो ट्रैंक्विलाइजेशन टीम है उसको मैसेज किया हुआ है। भैंसदेही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अवस्थाओं और मरीजों को हो रही असुविधा पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रदीप मोजसे ने नाराजगी जाहिर करते हुए 2 एएनएम को निलंबित कर दिया। जबकि 20 एएनएम का 1 महीने का वेतन रोकने का आदेश जारी किया गया। नगर के मंगल भवन में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रदीप मोजेस ने अव्यवस्थाओं और मरीजों को मिल रही दिक्कतों का तुरंत निदान करने की बात की है। इसके साथ ही आप बता दें
कि काम में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को जमकर फटकार। जावरा नगर पालिका में एक ही पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में फूट दिखाई दी। दरअसल जावरा नगर पालिका ने 17 दिनों तक चले स्वच्छ भारत मिशन का शहर में एक रैली निकालकर नगर पालिका अध्यक्ष के में समापन कर दिया, जिसमें जावरा के कई नेता और स्कूली छात्र और छात्राएं तो शामिल हुए, लेकिन नगर पालिका उपाध्यक्ष पवन सोनी शामिल नहीं। उपाध्यक्ष ने नगर पालिका अध्यक्ष अनिल दसेड़ा पर स्वच्छता भारत के नाम पर नौटंकी करने का आरोप लगाया। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि ये सभी आरोप निराधार हैं, बल्कि स्वच्छ भारत मिशन की समापन रैली में सभी को बुलाया गया था। मैं यहां तक पूछता हूं, स्वच्छता स्वयं से चालू होती है और अन्य जगहों पर और सार्वजनिक जगहों की साफ सफाई करके उसको समाप्त किया जाता है, पर नगर पालिका ने जो भी कार्य योजना बनाई वो दो लोगों ने बैठकर पूरी कार्य योजना नगर पालिका अध्यक्ष ने स्वयं ने पूरी कार्य योजना बना ली, उसमें ना तो किसी पार्षद को सम्मिलित किया, ना ऐसे उपाध्यक्ष मुझे सम्मिलित किया, ना अन्य किसी जनप्रतिनिधि को इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने सम्मिलित किया। उन्होंने स्वयं ने कार्य योजना बनाई, मंचाई और सबके ऊपर थोपने की कोशिश की। बड़ा गंगम 17 दिन से चल रहा था और पूरी 15 दिन की कार्य योजना हर पार्षद को घर पे भेजी गई और साथ ही उस पखवाड़े में भी तारीख वाइज जो जो कार्यक्रम थे, चाहे वो होटल संघ की मीटिंग हो, चाहे वो व्यापारी संघ की मीटिंग हो, चाहे 2 तारीख की रैली के लिए मीटिंग करना हो, इन सब कार्यक्रमों के लिए भी अलग अलग से सूचना पार्षदों को और पदाधिकारियों को भेजी गई। इधर मुहर्रम और नवरात्रि के पावन पर्व पर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी की पूरे नगर में प्रशंसा हुआ। इसी कड़ी में अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर हाजी नन्हे खां की अगुवाई में मेयर पंचायत के सदर आयुबा मेयर के नेतृत्व में थाना परिसर पहुंचे थाना प्रभारी दीपक शेजवार को शॉल श्रीफल और फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। SI रामस्वरूप परमार, SI संतोष चौहान, SI वीरेंद्र अनारे को भी शॉल श्रीफल और पुष्प माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अंजुमन नायाब सदर सलीम मेंबर मेयर पंचायत नायाब उपस्थित। दरअमलबिल और उत्कृष्ट विद्यालय के बाद स्कूली बच्चों ने पुलिस लाइन की दीवारों पर स्वच्छता की इबारत। पेंटिंग के माध्यम से बनाई गई तस्वीरें बयां कर रही हैं कि स्वच्छता को लेकर की जा रही कवायद से शहर कितना जागरूक हुआ है। दरअसल नगर निगम की पहल पर इस बार पुलिस लाइन की बेजान दीवारों पर स्कूली बच्चों ने विचारों और रंगों का समावेश दर्शाया, जिसमें ऐसे ही कई चित्र शामिल हैं जो पूर्व और वर्तमान में शहर की स्वच्छता के अंतर को दर्शाते हैं। रायसेन जिले में देवर को भाभी के साथ मजाक करना काफी महंगा पड़ गया। मामला दहगांव थाने के गांव छोटी सिलारी का है, जहां देवर भाभी के बीच मजाक होते देख महिला के पति ने अपने ही चचेरे भाई पर हमला कर दिया। इस दौरान एक ही परिवार में हथियार तक चल गए, जिसमें एक युवक की मौत हुई और एक भाई गंभीर रूप से घायल हुआ। धारदार हथियार से हुए इस हमले में 24 वर्षीय संतोष बंजारा की घटनास्थल पर मौत हुई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर उत्तर प्रदेश में बदमाशों के हौसले कम बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं।